एवरी वन दिस ने का आज हम वाटर क्राइसिस के बारे में बात करेंगे देखिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एक साल छोड़कर एक वाटर पोल्यूशन पे या क्राइसिस पे सवाल आ ही जाता है अगर आप मेंस में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा एडिटोरियल था श्री कुमार चट्टोपाध्याय जी के द्वारा एक फॉर्मर साइंटिस्ट हैं तो इसको हम एनालाइज करने की आज कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन कनेक्ट विद मी डाउन टू अर्थ मै मैगजीन एनालिसिस फ्री क्लासेस मैंने फेब्री जनवरी और फेबररी की uh, ले ली है स्पेशल क्लासेस पे जाके देख लीजिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ लेट्स सी ये आर्टिकल आपका हिंदू में आया था ग्रोइंग वाटर क्राइसिस द द सीन अनसीन तो इसको ही एनालाइज करेंगे पढ़ेंगे अगर आपने हिंदू में पढ़ रखा है वेल एंड गुड बट लेट्स डू इट वंस अगेन बिकॉज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड हाउ यू कैन यूज दिस इन योर मेन्स आंसर राइटिंग पहले तो देखिए यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इनकी 2022 की आई जहाँ पे ग्लोबली एक कंसर्न दिखाया गया है कि फ्रेश वाटर जो है वो कम होता जा रहा है सूखता जा रहा है चाहे आपकी स्ट्रीम्स की बात हो लेक्स की बात हो एक्वीफॉल्स की बात हो या किसी भी रिजर्वयर की बात हो मतलब वाटर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है ये सब हमको पता है इस तरह के क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलती हूँ रिपोर्ट्स को जरूर मैंशन करें एक दो रिपोर्ट्स तो वाटर एयर नॉइज से रिलेटेड आप लिख के ही रखो ठीक है 2007 में ये बोलते हैं कि वाटर स्कैरसिटी पे ध्यान देना ग्लोबली इस तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गया था और उस टाइम वर्ल्ड वाटर डे का थीम भी यही था कोपिंग विद वाटर स्कैरसिटी मार्च ट्वेंटी सेकेंड को और यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो साइलेंट क्राइसिस है ग्लोबल एक डायमेंशन है इसकी क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो वहां पर वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स आ जाता है अगर हम इसको सस्टेनेबली यूज नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है डेटा देखिए जो यहाँ पे दिखाता है कि इट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट कर रहे हैं हम चाहते हैं कि सस्टेनेबली हर चीज ग्रो हो इंडिया भी एक ट्रांजिशन में है हम पांच ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना चाहते हैं तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो इस तरह की लाइन आप यूज कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाटर अब देखिए इंडिया में सेवेंटीन परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है हमारी टोटल पॉपुलेशन इंडिया की दैट मीन्स इट अकाउंट फॉर सेवेंटीन परसेंट ऑफ योर वर्ल्ड पॉपुलेशन लेकिन पानी कितना है अगर वर्ल्ड रिसोर्सेज से कंपेयर करेंगे तो चार परसेंट मतलब सत्रह परसेंट लोगों के लिए वर्ल्ड में के जो लोग हैं उनके लिए चार परसेंट रिसोर्स ही है आपके पास फ्रेश वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करें तो मतलब आपको बहुत ही अच्छे से इस पानी को यूज करना है वरना सत्रह परसेंट लोगों के लिए एटलीस्ट सत्रह परसेंट पानी वर्ल्ड का होना चाहिए सो दैट्स नॉट द केस यार बिकॉज यू कैन नॉट प्ले प्ले विथ जोग्रफी सो यू हैव फोर परसेंट ऑफ रिसोर्स फ्रेश वाटर रिसोर्स तो इसका मतलब बहुत ही जुडिशियस यूज एफिशिएंट यूज़ यहाँ पे पानी का होना चाहिए अदरवाइज कंसर्न की बात हो जाएगी वाटर क्राइसिस वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स भी हैं दैट आर रिलेटेड टू वाटर स्ट्रेस अब यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे बात की गई है कि ट्रांस प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है अगर प्रॉब्लम्स की बात गिने तो तो रूरल और अर्बन एरिया के बीच में बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोग सिटीज में शिफ्ट होते जा रहे हैं सिटीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है लेकिन रिसोर्सेज तो उतने ही हैं फिर वहां पे वाटर स्ट्रेस हो रहा है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन सिटीज का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेटा देता है टू के रिपोर्ट में कि अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली अगर आप देखें पांच 100 बिलियन लीटर पानी हर दिन इंपोर्ट किया जाता है और इसका कंबाइंड डिस्टेंस आप देखेंगे 27000 हजार किलोमीटर है ये रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको कहीं व्हाइट पेज पे लिख के रख लीजिए जिसको आप कहीं पे मेंशन कर सकते हैं ग्लोबल ड्रॉट रिस्क वाटर स्ट्रेस मैप 2019 थाउजेंड कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर तो ये आपको अपना आंसर जस्ट वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कैसिटी के बारे में बताने में ऐसे में या मे बी इन योर आंसर राइटिंग हेल्प करेगा पहली रिपोर्ट में ये बताता कि मेजर पार्ट्स जो इंडिया के हैं स्पेशली योर वेस्ट योर सेंट्रल पार्ट्स जो पेनसुलर इंडिया के वाटर स्ट्रेस्ड हैं दूसरी रिपोर्ट ये बताती है नीति आयोग ने बोला था कि सिक्स मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्यूट वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं और इंडिया सबसे

वो तो कहाँ रह रही होगी सिटीज में तो लास्ट फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन अगर आपकी सेंचुरी के एंड तक अर्बन पॉपुलेशन आपकी शिफ्ट uh, हो गई सिटीज में तो उस पर बर्डन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो सिटी ग्रोज होगी तो आपका वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस भी ग्रो होगा विच यू हैव टू मैनेज अब सिटीज की ग्रोथ के साथ अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया जो पानी इरिगेशन के लिए यूज होना है एग्रीकल्चर के लिए यूज होना है एवरीथिंग विल शिफ्ट यूज ऑफ पीपल क्योंकि लोगों को पानी चाहिए और सिटीज में आप देखेंगे ग्रे वाटर का कंसर्न भी बहुत है। ग्रे वाटर को रिसाइकल करके यूज किया जाता है लेकिन उसको कितने हद तक भी आप यूज कर लेंगे पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा तो रहता ही है अहमदाबाद का केस स्टडी यहाँ पे लिया गया है एट्टी परसेंट वाटर सप्लाई इस सिटी में जो था वो ग्राउंड वाटर से यूज हो रहा था लोग ग्राउंड वाटर यूज कर रहे थे नाइनटीन एटीज तक इससे क्या हुआ ग्राउंड वाटर लेवल आपका कम होता गया अब सिटी नर्मदा कैनाल पे डिपेंड करती है मेजर वाटर सप्लाई के लिए सो दिस इज अ केस स्टडी कि कैसे हमारे रिसोर्सेज जहाँ से हम पानी ले रहे थे अब वो सफिशियंट नहीं है वी हैव टू लुक फॉर अदर रिसोर्सेज ऑल्सो ओके तो ये चीज़ अहमदाबाद में होने लगी उसके बाद लोग पहले ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं फिर धीरे धीरे सरफेस वाटर भी यूज करने लग जाते हैं रूरल टू अर्बन एरियाज जैसे माइग्रेशन ज्यादा हो रही है तो आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर्स पे लोग फिर रूरल एरिया से वाटर को लाया जाता है सो so यही चीज नागपुर और चेन्नई में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट रूरल और अर्बन एरियाज का डिस्प्यूट बना पड़ा है क्योंकि स्केर्सिटी पानी की होती जा रही है राइट तो रूरल अर्बन वाटर ट्रांसफर मैनेजमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए अभी रूरल अर्बन ट्रांसफर जो है एक लूज लूज सिचुएशन है लूज लूज सिचुएशन इसको क्यों कहा क्या है बिकॉज यूजली शुड बी विन विन सिचुएशन अगर आप गांव से भी पानी लेके आ रहे हैं क्योंकि आप वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज को उनके एक्सपेंस पे क्योंकि अब वो एग्रीकल्चर के लिए उनको कम पानी मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए पानी अगर कम मिलेगा इरिगेशन नहीं होगा तो आने वाले समय में फूड क्राइसिस भी हो सकता है फूड सिक्योरिटी का इशू भी उठ सकता है क्योंकि अगर शहरों में अगर आप देखेंगे ग्रे वाटर है ग्रे वाटर मतलब जो आपका सैनिटेशन या हाउस होल्ड वाटर उसको रिसाइकल किया जाता है उससे तो वैसे ही पानी की बहुत कम रिकवरी होती है और आप जानते ही हैं कि पोल्यूशन भी शहरों में कितना है तो रूरल एंड अर्बन एरियाज यूज वाटर फ्रॉम द सेम स्टॉक तो दोनों जगह सेम स्टॉक से पानी यूज़ किया जाता है देर फॉर यहाँ पे हमको इस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सो so, अब यहाँ पे किस तरह से वाटर का रिलोकेशन होगा किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी रूरल अर्बन पार्टनरशिप किस तरीके से होगी तो ये सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही वाटर मैनेजमेंट हो पाएगी गवर्नमेंट ऑल दो काफी सारे इनिशिएटिव्स वाटर मैनेजमेंट के लिए ले रही है जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल शक्ति अभियान अटल भूजल योजना ये सब चल रहा है तो वे अहेड आप क्या बताएंगे प्रॉब्लम क्योंकि हमने देखी यहाँ पे हमको समझ में आया कि वाटर क्राइसिस है दूसरा देख रहे हैं कि रूरल से पॉपुलेशन अर्बन माइग्रेशन हो रही है अर्बन पे अर्बन रिसोर्सेज पे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है फिर जो ट्रांसफर रूरल से अर्बन में हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का उससे रूरल अर्बन डिवाइड और डिस्प्यूट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो वाटर मैनेजमेंट के साथ ये सारे इश्यूज भी हमको मैनेज करने हैं तो वे हेड में आप यही बताएंगे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी, वाटर रिसोर्स एलोकेशन के लिए रीजनल लेवल पे कहाँ का पानी कहाँ पे जाएगा और किस तरीके से यूज़ होगा गवर्नमेंट सिर्फ अकेले ये सब नहीं संभाल सकती कंबाइंड एफर्ट्स चाहिए यहाँ पे सिविल सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सबको मिलके इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आई होप ये वाटर क्राइसिस पे एक अच्छा आर्टिकल था जिसको आप अलग अलग जगह मैंने आपको रिपोर्ट्स भी बताई आप मेंशन कर सकते हैं बाकी आप अपना प्रिपरेशन इसी तरीके से हमारे साथ आसान बना सकते हैं एन अकाडमी को चुन के यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं बेस्ट एजुकेटर्स यू कैन यूज माई वीरो वीरोस फॉर पर्सनल गाइडेंस आप किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन लें आज के दिन लास्ट ऑफर है सब सेप्टेम्बर एक्सटेंशन ऑफर कि आप बारह महीने अठारह महीने के लिए कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो यूल गेट वन मंथ एंड फोर मंथ रिस्पेक्टिवली फ्री बैचेस ट्वेंटी सेकेंड को ही लेटेस्ट बैच शुरू हुआ है सो डू एनरोल योर सेल्फ संडे को टेस्ट जरूर दीजिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके जो आप कोर्स खरीदेंगे काफी हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा मेन्स टेस्ट सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग सीखनी है तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिए आइकॉनिक में बेनिफिट ये मिलता है गेट अ लाइव मेंटर जो आपको बताता है किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। एक बार आप अगर पैसे नहीं देना चाहते यू कैन डू टेक ई एम आई जीरो परसेंट इंटरेस्ट है यहाँ पे आपके पॉकेट पे बर्डन भी नहीं आएगा डाउट दरबार ट्वेंटी तक चलेगा सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ योर बाकी ट्वेंटी सिक्स को एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है सो स्टे ट्यून टू नो अबाउट इट सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल पी डी एफ्स के लिए लेक्चर अपडेट्स के लिए यहाँ पे ज्वाइन कीजिए बाकी लेट्स क्रैक यू पी एस सी पे भी मेरा चल रहा है कोर्स इकोलॉजी का स्टैटिक तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिए थैंक यू सो मच